हेलो जी, कैसे आप सब लोग। तो आज एक्चुअली मेरे फादर यानी पापा आ रहे हैं पानीपत से, बच्चों के नानू हमसे मिलने आ रहे हैं। और अभी टाइम कुछ आई थिंक 5:30 के आसपास है और 4 बजे की वो ट्रेन में मतलब बैठ गए हैं। 7 बजे का अराइवल है तो चंडीगढ़ से फिर मोहाली आने में उनको मतलब यही 8 बजे के आसपास वो नियर अबाउट पहुँचेंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बच्चों के नानू और हम लोग कैसे आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। और खाना मैंने ऑलमोस्ट बना दिया है क्योंकि उनके आने के बाद मुझे ये है कि यार हम अच्छे से ना इन लोग बातें कर लें, टाइम स्पेंड कर लें। प्रिजीन को मैं पढ़ा रही हूँ और खाना ऑलमोस्ट बन गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। और वैसे कुछ भी बना लो यार, वो खाने में बहुत ज़्यादा मतलब चूज़ी कह लूँ या बहुत कम डाइट है उनकी तो वो खाना नहीं खाते हैं, तो हमने अपने लिए बनाया मेन। और मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, बस अभी खाना बना के मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि अब टाइम हो गया मेरा गुरुद्वारे जाने का शाम को। मतलब जब से मेरे को एक्टिवा चलानी आई है तो मतलब बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं डेली गुरुद्वारे जाती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा मेरी आवाज़ के साथ एडजस्ट करना, मेरी गला भी आवाज़ यू नो ठीक नहीं हुई है, गले में बहुत पेन है। तो यहाँ पे मैंने बनाया ब्लैक चने बिकॉज टुडे इज सैटरडे। साथ में मैंने हलवाई स्टाइल मटर पनीर, मतलब इतना टेस्टी ग्रेवी बनी थी ना। और शूट इसलिए नहीं किया यार क्योंकि ना मतलब बहुत ज़्यादा बिजी था तो शूट करने में टाइम लगता है। साथ में घर का फ्रेश पनीर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ऑलमोस्ट ग्रेवी बन गई है मेरी, खाना ऑलमोस्ट रेडी है राइस बनाने और जल्दी से अब मैं जाऊँगी नीचे। रेडी मैं हुई हुई हूँ। तो यहाँ पे है मेरी वाइट कलर की एक्टिवा और मैं जा रही हूँ अब। सबसे पहले मुझे मतलब ये है कि उनके आने से पहले मैं अपने सारे छोटे मोटे काम जो है वो ख़त्म कर लूँ। तो पहले मैं जा रही हूँ गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकने के लिए। तो ये है नानक दरबार, हमारे घर के नियर बाय गुरुद्वारा जहाँ पे मैं डेली जाती हूँ मत्था टेकने, मतलब मत्था टेकने भी और वाहेगुरु को थैंक यू बोलने के लिए कि एटलीस्ट मुझे मतलब यू नो इतना सब कुछ देने के लिए जो मैं डिज़र्व नहीं करती। तो बस दिल मतलब जितना मर्जी यार आप घूम लो, मैं कहती हूँ पार्टी चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, मूवी चले जाओ, पर जो सुकून आपको गुरुद्वारे आके मिलता है ना, आई थिंक वो कहीं नहीं मिलता। मतलब मेरा फेवरेट प्लेस है और मेरा दिल करता है कि टाइम यहीं पे ठहर जाए और मैं बैठी रहूं। और घर में बच्चों को अकेला छोड़ के आई होती हूं तो मैं बैठती नहीं हूं, सच्ची बताऊं मत्था टेकते ही फटाफट से घर की तरफ वापस जाती हूं। तो अब मुझे लेना है थोड़ा बहुत सामान, तो बस मत्था मैंने टेक लिया। यहाँ पे साथ में ही है केक एंड बेक, मतलब बेकरी शॉप है, वहाँ से सब कुछ मतलब जो काफ़ी कुछ मिल जाता है। पर एक्चुअली डैडी का कुछ नहीं खाते हैं तो जस्ट मैंने कॉफ़ी के साथ उनके लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है, मतलब मटर वगैरह कुछ मट्टी कुछ भी जो भी मिल जाएगा वो ले लूँगी। तो यहाँ से मैंने मटर लिया और कॉफ़ी के पाउच भी मुझे यहीं से मिल गए थे। तो मैं आ गई हूँ घर, रास्ते से लाई हूँ मैं केले बच्चों के लिए, जिंजर ख़त्म था, और साथ में उनके लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, साथ में मटर है क्योंकि बस मतलब मटर चाय कॉफ़ी के साथ उनको करने के लिए। साथ साथ मैं प्रिजलिन को बता रही हूँ, करा रही हूँ होमवर्क ताकि नानू के आने से पहले उसका होमवर्क हो जाए। और सच्ची बताऊँ नानू से ज़्यादा वेट ना, मतलब वो जो हमारे लिए सामान ला रहे हैं ना बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये वायरल कॉफ़ी ट्रिक जिससे बहुत अच्छी बनती है। तो बस पापा को मैंने कॉफ़ी और मटर मतलब कॉफ़ी के साथ मटर मतलब उन्होंने कॉफ़ी पी ली है और अभी वो जो सामान लाए हैं बस वो होना है ओपन, मतलब वो हमारे लिए और बच्चों के लिए क्या क्या लाए हैं, मतलब उसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। और खाने के लिए भी बहुत कुछ लाया, अभी मैं आपको सब आगे व्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ अपने। तो 2-3 दिन जो होने वाले हैं व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप ज़रूर कंटिन्यू करना, मिस मत करना। और भगत से मीनवाइल बात हुई है, ये पापा की चल रही है मस्ती कुकू के साथ, भगत भी घर आने वाले हैं। तो बस यहाँ पे भगत आ गए हैं और ये नानू का बैग जो अभी हम लगेंगे मतलब डिनर के बाद खोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिनर की प्लेट लगा दी है, राइस घी का रायता बनाया है मैंने, साथ में चने की सब्जी तरी वाली, मटर पनीर विद ग्रेवी, तो ये मैंने थाली लगाई है। तो जल्दी से अब हम लोग करेंगे अपना डिनर इन्जॉय और नानू के बैग का पिटारा मैं खोलने वाली हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ नए व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।